है और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि कैसे DIY शैम्पू बनाएंगे। तो इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको चाहिए आंवला। ये आंवला मैंने 2 चम्मच आंवला लिया है, ये अनसॉल्टेड है, इसमें कोई नमक नहीं डाला है, ठीक है। एंड दूसरा इंग्रेडिएंट हमको लेना है वो है मेथी। ये देखिए ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। और जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो हमको लेना है ये रीठा। ये आप देख सकते हैं गाइस, रीठा इस तरह से होते हैं, इसको सोप नट्स बोलते हैं। ये आपको इजीली मार्केट वगैरह में इजीली मिल जाएंगे ये सोप नट्स, ठीक है। और जो आपको फोर्थ इंग्रेडिएंट है वो चाहिए नीम का पाउडर, ठीक है। अगर आपके पास नीम का पाउडर नहीं है तो आप रियल नीम लीव्स भी ले सकते हैं 2 चम्मच, ठीक है। और आपको जो और एक जो चीज़ चाहिए वो है 2 पानी है और ये 1/8। सो गाइस अभी आपको इसको बॉईल करना है। ये रीठा आंवला मेथी और वो नीम का पाउडर जो मैंने इसमें डाला था, इसको आपको बॉईल करना है अच्छी तरीके से। और इसको इतना बॉईल करना है जैसे कि 15-20 मिनट आपको इसको अच्छे से बॉईल करना है ताकि ये सब सॉफ्ट हो जाए और थोड़ा जो पानी है वो भी थोड़ा वेपराइज हो जाए। सो इसको 15-20 मिनट तक आपको बॉईल करना है, देन इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। सो आपको देख सकते हैं आप, ये थोड़े सॉफ्ट हो गए मेथी वगैरह भी। इसको मैंने ऑलमोस्ट 6-7 घंटे भिगोए था। अगर आप 6-7 घंटे नहीं भिगोना चाहते हैं तो फिर आप इसको गर्म पानी में ही डाल के भिगो दीजिए, तो 5-6 घंटे में भी ये हो जाएगा तैयार। सो देन फिर मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। कि मैंने ये जो रीठा है इसके जो ये बीज है इसको ये अलग कर लिया है ना। ये देखिए मैंने ये जो सारे रीठा के बीज हैं इनको अलग कर लिया है। और ये जो हम झाग देख रहे हैं रीठा की वजह से ही हुआ है। और ये जो आंवला मेथी वगैरह थे उनको उबाल के रात भर छोड़ दिया था और अब इसमें से मैंने बीजें निकाल लिए हैं और अभी हम इसको मिक्सर ग्राइंडर में ब्लेंड कर लेंगे। मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है अच्छी तरीके से, है ना। और ये देखिए इसमें कितने झाग आए हैं, देखिएगा इस सारे मस्त झाग है। अब ये झाग खत्म होने तक आपको इसको ऐसे ही रख देना है ताकि एकदम झाग एकदम मतलब रहे ही नहीं झाग के। इसको ऐसे थोड़ी देर के लिए रख देना है 3-4 घंटों के लिए, तो इसमें झाग हट जाएगा। आप चाहें तो इसको अभी भी छान सकते हैं, लेकिन अगर रखेंगे ना तो छानने में ज़्यादा ईजी हो जाएगा। सो मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ ताकि ये झाग जो है वो पूरा नीचे बैठ जाए। आप अभी यहाँ पे देख सकते हैं इसके सारे बबल्स एकदम बैठ चुके हैं, तो अभी हम इसको छान लेंगे। कर सकते हैं, इसको बिना छाने यूज मत कीजिएगा, नहीं तो फिर इसमें जो ये आप रेशा देख सकते हैं ना यहाँ पे, देखिए चम्मच में लगे हुए थोड़े बहुत रेशे, देखिए ये रेशे आपके बाल में फंस जाएंगे, इसलिए इसको छान कर ही यूज करें। तो अभी इसको छान लेते हैं हम, ठीक है। फिर तो मैं अभी इसको छान ले रही हूँ। आपको इसको 2 बार छानना होगा क्योंकि इसमें नीम का हमने पाउडर डाला है। तो पहले तो आप इसको छन्नी से छान लीजिए, देखिए नीचे दिख रहा होगा ये छना गया ऑलमोस्ट। और इसको एक बार और आपको छानना पड़ेगा मलमल के कपड़े से, तभी आप इसको यूज़ कीजिए, वरना जो नीम के जो पाउडर के जो रहते हैं ना थोड़े थोड़े वो आपके सर में बहुत अटक सकते हैं। बस अब हम देखेंगे कि इसको यूज़ कैसे करते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको क्या करना है कि अपने पूरे जो हेयर्स हैं उनको आपको वेट करना है, ठीक है। वेट करने के बाद आपको जैसे आप नॉर्मल शैम्पू लगाते हैं बिल्कुल वैसे ही लगाना है। बस ये है कि पहली बार में झाग नहीं आएगा। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो इसको 3 से 4 बार आपको करने को लगेगा शैम्पू, बट रिजल्ट जो आएगा वो बहुत ही अच्छा आएगा रिजल्ट। तो इसको ऑलमोस्ट डबल लग जाता है। मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस शैम्पू के क्या क्या फायदे हैं। तो इसमें हमने नीम डाला है, तो नीम की वजह से अगर आपके सर में डैंड्रफ है तो उससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। मेथी से बालों को सॉफ्टनेस मिलेगी और जो ये आंवला है आंवला से आपका जो हेयर फॉल है वो 70% तक स्टॉप हो जाएगा। यस गाइस, एक ही बार के यूज़ में 70% तक आपको जो रिजल्ट है वो देखने को मिलेगा। अगर ये नहीं हो रहा तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, फिर रिजल्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।